बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक ब्लॉग एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद उसामा शुरबा। आज जो हम आपके लिए लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं वो 8 जनरेशन सीरीज़ का लेनोवो थिंकपैड सीरीज़ का लैपटॉप है। मॉडल नंबर है जिसका 81EX। अनब्रांडेड सीरीज़ का लैपटॉप है लेकिन बहुत पावरफुल मशीन है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ विथ फुल HD डिस्प्ले। तो एज यूजुअल लैपटॉप का रिव्यू करने से पहले आपको यही कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर नोटिफिकेशन आती रहें। तो सबसे पहले हम आपको लैपटॉप के बारे में बताएंगे। बिल्ड क्वालिटी के हवाले से आपको पता है कि एज यूजुअल हम स्टार्टिंग में सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके कलर वगैरह के हवाले से बात बताते हैं कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो टोटली प्लास्टिक है लेकिन ग्लॉसी डिज़ाइन के अंदर है। ग्रेश कलर है जिसके ऊपर बारीक बारीक सी लाइनिंग है और लिनोवो की ब्रांडिंग हुई हुई है। बहुत ही खूबसूरत मशीन है डिज़ाइन के हवाले से और वेट के हवाले से भी, वो भी हम आपको एंड में बताएंगे। वीडियोज आप हमारी एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको प्राइसिंग और वेट के हवाले से और टोटली सारी डिटेल्स आपको पता चल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो देखते हैं तो एज़ यूजल फ़ौरन देखने के बाद अगर आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे फ़ौरन रब्ता कर लिया करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक आता है तो वो सेल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग हमें बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता। तो टॉप का हमने आपको बता दिया कि इसका टॉप जो है वो ग्रेश कलर का है, ग्लॉसी प्लास्टिक है टोटली। बैक की बात करें तो बैक भी इसका टोटली प्लास्टिक है और उसके ऊपर लिनोवो के जो टैग्स वगैरह लगे हुए हैं लैपटॉप्स का मॉडल वगैरह। हीट ट्रांसमिट के लिए डक बनाई हुई है, दो इसकी डक यहाँ पर है जो आपकी वॉल्यूम वगैरह के लिए, स्पीकर्स के लिए आउटपुट है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें राइट साइड की तो राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे इसके USB चार्जिंग पोर्ट है इसकी लिनोवो की, VGA पोर्ट है एक्सटेंडेड डिस्प्ले के लिए, ईथरनेट पोर्ट है, फुल साइज HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है और उसके अलावा टाइप सी पोर्ट है। राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड के ऊपर इसका DVD रोम है, USB पोर्ट है, 3mm हेडफोन जैक है और SD कार्ड स्लॉट है और लॉकिंग सिस्टम है। बैक साइड के ऊपर SH कोई पोर्ट नहीं है। इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल इसका बहुत ही खूबसूरत है, वो भी टोटली मैट डिज़ाइन के अंदर है। आपको इसके जो है बैकलाइट कीबोर्ड की लाइट नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। 720p रेजोल्यूशन इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें कैमरा है और इसके अलावा 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ रेजोल्यूशन है इसकी। पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद और अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका टोटली प्लास्टिक है, जिस तरीके से टॉप है सेम कलर के अंदर इन्होंने बॉटम दिया हुआ है। ट्रैक पैड अलग से सिंपल डिज़ाइन है, बटन नहीं है, ट्रैक पैड के साथ इसके बटन भी इंक्लूड है। फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर आप देख सकते हैं और काफ़ी फास्ट वर्किंग फिंगरप्रिंट सेंसर है। i5 8 जनरेशन के प्रोसेसर की ब्रांडिंग हुई हुई है और रेडियन ग्राफिक के जो है 2GB ग्राफिक कार्ड है, वो भी आपको मॉडल नंबर बताएंगे उसकी जो है वो डिटेल्स और उसके स्टिकर लगे हुए। इंटरनल की अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम में आप देखेंगे तो लिनोवो 81AX इसका मॉडल नंबर है, i5 8 जनरेशन है, 8 CPU है, इसका मतलब है क्वाड कोर मशीन है, 1.6 है टर्बो बूस्ट, 1.8 GHz है, 8GB LPDDR4 टेक्नोलॉजी की रैम है इसके अंदर। आगे अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं इसके अंदर USG ठीक है अल्ट्रा HD डिस्प्ले है इसका और उसके अलावा इंटेल ग्राफिक है इसके अंदर, USD ग्राफिक 620 ग्राफिक है इसके अंदर, 128 MB की ग्राफिक का मॉडल नंबर है, USD ग्राफिक 620 इंटेल और 128 MB है। और ये है बेसिक ग्राफिक और रेंडर के लिए आप देखेंगे तो AMD रेडियन R7M440 2GB का डेडिकेटेड DirectX 12 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। स्टोरेज और रैम की बात करें, स्टोरेज इसके अंदर 128 GB अगर आप देखेंगे 128 GB SSD है और प्लस जो है 1 TB दो हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ये हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो आपको लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स की हेल्थ की डिटेल बताता है। तो इसमें आप देखेंगे सैमसंग की 128 GB SSD है, इसके अंदर आपकी जो विंडो इंस्टॉल्ड है और 1 TB हार्ड ड्राइव अलग से लगी हुई है Seagate की, जिसमें आपका डेटा वगैरह स्टोरेज के लिए। तो डुअल हार्ड ड्राइव है इसके अंदर जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है इस मशीन के अंदर। ग्राफिक के हवाले से मशीन बहुत ही जानदार है, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, फुल HD डिस्प्ले है इसका और हार्ड ड्राइव की हेल्थ आप देखेंगे तो दोनों हार्ड ड्राइव की हेल्थ 100% है, तो आपकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर होगी इसकी। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे पास आपके पास जो है वो हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशन आती रहे। बार बार कहने का मकसद ये होता है कि आपको पता है हमारे चैनल में अभी सब्सक्राइबर कम है, जिसकी वजह से जो है हमें अभी सब्सक्राइबर की नीड है। तो
तो इस वजह से हम लोग बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। वेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं मशीन की, तो मशीन का अगर आप वेट देखेंगे, मशीन ऑन कर दी हमने, टू थाउजेंड एट ग्राम ऑलमोस्ट 2 kg इसका वेट है मशीन का। इससे पहले हमने आप देखा होगा i36 जनरेशन के लैपटॉप का रिव्यू किया था, उसका जो वेट था वो ऑलमोस्ट 2150 ग्राम 2.1 kg के करीब वेट था। इसका जो है वो ऑलमोस्ट 2 kg वेट है, तो जो उसके फीचर जो उसके हिसाब से वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। इसी के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और फेसबुक का हमारा जो पेज है वो नेक्जेन टैग के नाम से, उसको भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम के ऊपर नेक्जेन_टैग के नाम से। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अगेन अल्लाह हाफिज़।